अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो लवर्स, आज मैं आप दोस्तों को सेफपाल वेब थ्री डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आपने सेफपाल वेब थ्री वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने सेफपाल वॉलेट को यूज करना है, कैसे आपने सेफपाल वॉलेट में डिपॉजिट और विड्रॉल करना है और कैसे आप सेफपाल वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो को गौर से देखकर आपने सारा प्रोसेस समझ लेना। कैसे आप सेफपाल वॉलेट को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपने समझ लेना। ठीक है, आपने प्ले स्टोर पर चले जाने, सेफपाल का वेब थ्री वॉलेट आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी ओपन हो रहा है, तो आपने सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ग्रो योर वेल्थ योर वे, ठीक है, सपोर्ट बोथ ईवीएम एंड नॉन ईवीएम कंप्यूटेबल चेन इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी स्मार्ट चेन, ट्रॉन, सोलाना, एवलांची एंड मोर, कि यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लॉक चेन आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब सेफपाल वॉलेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉक चेन है, ठीक है, कोर भी इसी के अंदर लिस्टेड है, समझो। बिल्ट इन क्रॉस चेन स्वैप एंड ब्रिज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी कनेक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप भी कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट वाला, वो वाला आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ये जो की लगा हुआ है ना, ले वाला पैसेज यू आर बाय कनेक्टिंग द यूर सेफपाल वॉलेट S1 प्रो, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है। ठीक है, आपने स्टार्टर पर क्लिक कर देना है, आप जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा यूज़ ए हाइब्रिड पासवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफपाल डज नॉट स्टोर आर एक्सेस योर पासवर्ड, प्लीज़ रिमेंबर इट टाइटली एंड डू नॉट गिव इट टू एनीवन, कि भाई वो बोल रहा है कि सेफपाल का वॉलेट का जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपके अपने पास होगा और हम लोग ये वाला पासवर्ड स्टोर नहीं करते। तो जो भी आपने पासवर्ड रखना है और अपने फेरस वगैरह आपने खुद सेफ रखना है। दोस्तों, वेब थ्री के जितने भी वॉलेट होते हैं वो खुद कुछ भी आपका सिक्योर, मतलब वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, जो कुछ भी होता है आपके पास होता है, ठीक है, उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट दे देना है, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू आर नाउ रेडी टू सेफपाल जर्नी, ठीक है, कि भाई आपने अपना सेफपाल विल नॉट सिक्योर स्टोर योर पासवर्ड, के वो अपना पासवर्ड भी नहीं सेफ रखते और प्राइवेट की मिनोमिक फेरस सेफपाल वॉलेट आपका कुछ भी नहीं देख सकता, ठीक है, जो भी होगा आपने खुद अपने पास सेफ रखना है। स्टार्ट सेफपाल जर्नी पे क्लिक कर देना, अपने पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपने खुद अपने पास सेफ रखना है, ठीक है, रजिस्टर पे लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, जहाँ पे भी आप सेफ करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफपाल वॉलेट के अंदर आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट, दूसरा हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट होते हैं दूसरे, वो हमारे लिए नहीं है, समझो, ठीक है, S1 X1 X1 Pro, ठीक है, हमने कौन सा वॉलेट क्रिएट करना है, हमने वॉलेट अभी आप देख सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट में कौन से हैं, सेफपाल S1 वॉलेट, सेफपाल X1 वॉलेट, ठीक है, दूसरे भी वॉलेट होते हैं इसके अंदर, जैसे हम ड्राइव होती है ना USB वाली, ये सेम उसी तरह के वॉलेट होते हैं हार्डवेयर वॉलेट। तो हमने अभी ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर वॉलेट, सेफपाल का हमने कौन सा वॉलेट क्रिएट करना है अभी, सॉफ्टवेयर वॉलेट हमने क्रिएट आर इम्पोर्ट ए सॉफ्टवेयर वॉलेट, यहाँ पर ऊपर आप पढ़ सकते हैं, तो हमने पहले वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सेफपाल सॉफ्टवेयर वॉलेट हमने क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन शो हो रहे हैं इंपोर्ट और क्रिएट का, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेफपाल वॉलेट इंपोर्ट बाय मिनोमिक फेरस बाय प्राइवेट की स्टोर बाय ऑब्जर्वेशन मोड रीस्टोर विद गूगल ड्राइव। आपने अगर ऑलरेडी सेफपाल वॉलेट का अकाउंट बनाया हुआ है और रिकवर करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे इंपोर्ट वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप न्यू वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देना, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट किया हुआ तो आपने नीचे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, अपने फेरस प्राइवेट की या की स्टोर ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी आपके पास होगा वहाँ से आपने रिकवर कर लेना। अगर आपने, अगर आप न्यू हैं सेफपाल वॉलेट के अंदर, तो आपने यहाँ पर क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर सिक्योरिटी पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने सेफपाल वॉलेट के अंदर अपना नेम लिख देना है, यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है, आपको यहाँ पर एडवांस फीचर के अंदर बता रहा है कि 12 वर्ड्स होने चाहिए 24 वर्ड्स, तो आपने 12 वर्ड्स ही रखने हैं, 12 फेरस वाला आपने करेक्टर रखना, ठीक है, यहाँ पर आपने निकनेम कुछ भी आप लिख सकते हैं, या सेफपाल वॉलेट लिख दो, कुछ भी आपका जो नेम होगा, यहाँ पर आपने वॉलेट का अपना नेम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने जैसे ही अपना कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर दोगे फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिंग यूर वॉलेट, वॉलेट क्रिएटेड, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, अभी देखो वॉलेट मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, अभी आपका यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है बैकअप मैनुअली या बैकअप बाय गूगल ड्राइव, अगर आप बैकअप गूगल ड्राइव के जरिए आप बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बैकअप मैनुअली पे क्लिक करोगे तो ये आपने खुद सेफ रखने अपने पास, ठीक है, जो भी मैनुअल होंगे 12 फेरस वाला पासवर्ड, 12 फेरस वाले वर्ड होते हैं ना, वो आपने खुद सेफ रखने होते हैं, अगर वो गुम हो गया तो आपका वॉलेट भी गुम हो जाता है, मेटामास्क वॉलेट हो, ओकेएक्स वॉलेट हो, बाइनांस का कोई भी वॉलेट हो ना वेब थ्री का, वो आपने खुद सेफ रखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने, समझो ये आपको करके दिखा दिया और वॉलेट भी क्रिएट हो चुका है आपके सामने, जो 12 वर्ड्स शो होते हैं फिर फेरस वाले, तो वो आपने खुद सेफ रखने और वहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने वेरीफाई कर लेना है, जैसे हम मेटामास्क या दूसरे वेब थ्री के वॉलेट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर वो नहीं दिखा सकते क्योंकि इन वॉलेट की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, तो ये वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं दिखाते,
स्क्रीनशॉट भी नहीं होता यहाँ पर, जितने भी ये फेरेस वगैरह होती है ना, मेटामास्क हो गया, बनास का वॉलेट हो गया, या ओकेएक्स वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते जहाँ पे फेरेस वाली जगह होती है, वहाँ स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपने खुद बस समझ लेना, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलेट क्रिएट हो चुका है। आप सेफपाल वॉलेट के अंदर NFT में वाली जगह पर देख सकते हैं, NFTs आपको देख सकते हैं वॉलेट के अंदर। यहाँ पर आपको एक क्विज मिलता है, ठीक है, ये सिंपल होता है, अगर आप क्रिप्टो में एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पर ये पहला सवाल होता है, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और इनके आपने सही से आंसर देने होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई आप न्यू हो, ओल्ड हो, किस टाइप के बंदे हो, तो वो वैसे एक क्विज होता है, फिर आपने सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा क्विज ठीक हो चुका है, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप सेफपाल वॉलेट के अंदर देख सकते हैं, डेफी भी आपको शोर है, NFT भी शोर है, क्वीन भी शोर है। यहाँ पर आप अपने फेवरेट क्वीन, जो भी आपने क्वीन सामने रखना चाहते हैं आपने रख लेना है। BNB स्मार्ट चेन हो गया। आपने यहाँ पर सेफपाल वॉलेट के अंदर डिपॉजिट, विदड्रॉल, सेंडिंग और रिसीव कैसे करना है, यहाँ पर आपने रिसीव पर क्लिक कर देना। आप जो कुछ भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आपने एड्रेस दूसरी जगह पर पोर्ट करोगे, वहाँ पर आपको ये वाले फिर BNB स्मार्ट चेन रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद आपने स्वैपिंग कैसे करनी है, सेफपाल वॉलेट के अंदर आपने स्वैपिंग कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बोल रहा है कि बाइनास को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके साथ बाइनास को लिंक करना पड़ेगा, फिर शायद स्वैपिंग होगा, क्योंकि ये बैकअप्ड बाय बाइनास है। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बाइनास, कितनी बड़ी ब्लॉक चेन इसको सपोर्ट कर रहा है, ये खुद का समझो बाइनास का ही वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट भी बाइनास का है। यहाँ पर आपने एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर आप सेंड वाली जगह पे जाओगे तो आप कुछ भी विड्रॉल कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हैं आप खुद। आपने यहाँ पर देख लिया कि सेफपाल वॉलेट के अंदर आप रिसीविंग और सेंडिंग कैसे कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है, और आप यहाँ पर सेफपाल वॉलेट के अंदर स्वैप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आ जाएंगे अर्न वाले सेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये वाला जायज़ तो नहीं है, लेकिन मनाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वाली जायज़ नहीं है, ठीक है। अर्न वाला सेक्शन भी आप ठीक है, दूसरी जगह भी होते हैं बाइनास में, तो ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। बाकी आपने स्वैपिंग करनी है तो यहाँ पर आपने स्वैप वाली जगह पे आ जाओगे, यहाँ पर आप BTC या कुछ भी कोर के टोकन, जैसे मैं कोर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैंने कोर लिखा, नीचे USDT होगी। आपने कोर के टोकन को USDT में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आप इजी तरीका स्वैप करोगे, फिर आपके जितने भी कोर के टोकन होंगे वो आपको USDT के अंदर कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं है, तो वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका प्रोवाइडर भी मैक्सी ग्लोबल है, ये बैकअप बाय बाइनास है, और मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज भी इसके बैकअप पे है, समझो। आप यहाँ पर जितने भी स्वैप करना चाहते हैं आप स्वैप भी कर सकते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट भी कर सकते हैं सेफपाल वॉलेट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आपने डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में देख सकते हैं कि हार्ट टोकन कितने बड़े, बाइनास हो गया, बिटकॉइन हो गया, APX हो गया, यूनी स्वैप, अंकेक स्वैप हो गया, सनिक स्वैप हो गया, बाई स्वैप हो गया, आटो फार्म, BSC हो गया, इथेरियम हो गया, और इस सुशी स्वैप हो गया, काइबर हो गया, काइबर नेटवर्क फंक्शन, ये कितनी बड़ी ब्लॉकचेन यहाँ पर स्वैपिंग की इसके बैकअप हैं। सेफपाल का स्टोर भी है खुद का, ऊपर आप देख सकते हैं USDT है। उसके बाद आपने मार्केट में आ जाना, मार्केट के अंदर आपको पूरा मार्केट मिल जाएगा, क्रिप्टो की पूरी मार्केट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क टोकन की आप प्राइस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफपाल वॉलेट के अंदर आप उसका खुद का भी टोकन है, BTC हो गया, इथेरियम हो गया, FDUSDT हो गया, सोलाना का टोकन, लिंक चेन हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो रहा है मार्केट के अंदर। ऊपर आप सर्च में जाके कोई भी टोकन सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपने वॉलेट में आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर आपको फ्रंट पे शो रहा है, यहाँ पर आपने मैनेज क्रिप्टो पे जाओगे, मैनेज क्वीन पे, तो आप कोई भी नेटवर्क और टोकन ऑटो ऐड कर सकते हैं आपने फ्रंट पर अगर शो कराना, जैसे यहाँ पर TRX हो गया, लूना हो गया, लाइट क्वीन हो गया, इथेरियम हो गया, मेटिस हो गया, मेंटल टोकन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नियर टोकन भी हो गया, वन टोकन और कोई टाइम हो गया, बहुत सारे टोकन आपने फिर ऐड कर देने, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आपने फ्रंट पे शो करा लेने कराने हैं, तो यहाँ पर आपने मैनेज क्वीन पे क्लिक करके आपने मैनेज कर लेने हैं। TRX भी यहाँ पर शो हो रहा है आपको। उसके अलावा इथेरियम हो गया, कोर ब्लॉकचेन का टोकन खुद का है, आपने कोर के टोकन को कैसे सेंड, रिसीव, डिपॉजिट, विदड्रॉल करना है, और यहाँ पर स्वैप भी कर सकते हैं। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपने रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेना है, और अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड पे क्लिक करके आपने जितने भी टोकन हो गए मैक्सिमम पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इजी प्रोसेस है सेफपाल वॉलेट के अंदर, विदड्रॉल, डिपॉजिट, सेंडिंग, रिसीविंग का इजी प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर ऊपर आपने सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पर आपने कस्टम नेटवर्क टोकन भी ऐड कर सकते हैं। सेफपाल वॉलेट के अंदर आपने कस्टम नेटवर्क टोकन कैसे ऐड करना है मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने बैक चले जाना है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा दायरा शो रहा है सर्कल, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपने क्लिक कर देना, लेफ्ट साइड पे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो सर्कल आपको शो रहा है ये आपको सेटिंग में लेके जाएगा। उसके बाद आपने कस्टम नेटवर्क टोकन आपने सेफपाल के अंदर कैसे ऐड करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कस्टम नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर देना है, ऐड मैनुअली पे क्लिक कर देना है, जैसे VRC नेटवर्क हो गया, आइस ब्लॉक चेन हो गया, अवाई माइनिंग ऐप हो गया, कोर का नेटवर्क हो गया, ये आपने ऑटोमेटिकली ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्लॉक चेन लिस्टेड नहीं होती तो वो ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, RPC URL, चेन आईडी होगी, क्रिप्टो करेंसी सिंगल सिंबल हो गया, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, यहाँ पर वो सारे कुछ आपने दे के अपना ऐड कर लेना है जो भी आपका कस्टमर नेटवर्क टोकन होगा। ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि उसने रेड लाइन में लिखा हुआ कि सेफपाल जो है ना वेरीफाई नहीं करता, ना ही इसकी सिक्योरिटी वेरीफाई करती है, तो आपने खुद अपने हिसाब से देख लेना कि नेटवर्क जो आप ऐड कर रहे हो क्या वो सेफ भी है या सेफ नहीं है।
ठीक है, क्योंकि कुछ फेक भी होते हैं जो आपके वॉलेट भी हैक कर लेंगे, वहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद सिक्योरिटी में आके आपने पैटर्न जो भी लॉक लगाना चाहते हैं वो आपने लॉक लगा देना है, पैटर्न लॉक या कोई भी लॉक आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग मिलती है, और उसके बाद आपने डी एप्स नोट्स में देख सकते हैं ये सारी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, यहाँ पर आपको उसके यूआरएल शो हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी नेटवर्क टोकन आप यहाँ पे ले सकते हैं। अर्न वाली जगह पे आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो ऑटो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये बाइनांस के अंदर भी होता है, इधर भी होता है, तो ये जायज़ नहीं है। उसके बाद आपने वॉलेट में आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप नेटवर्क टोकन ऐड करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो का फुल प्रोसेस समझ आ चुका है कि कैसे आपने सेफपाल वॉलेट को यूज़ करना है, कैसे आपने सेफपाल वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने सेफपाल वॉलेट के जो फ़ैरज़ होंगे वो आपने कहाँ पे सेफ रखने हैं, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, जहाँ पे भी आप सेफ रखो। उसके अलावा आपने अर्निंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया कि सेफपाल वॉलेट के अंदर स्वैपिंग कैसे करनी है, सेफपाल वॉलेट के अंदर सेंड कैसे करना है, रिसीव कैसे करना है, विदड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा सेफपाल वॉलेट के अंदर आपने स्वैपिंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया। उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आपने सेफपाल वॉलेट यूज़ करना है नहीं करना, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी। बाकी है बैकअप बाय बाइनांस है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट भी बैकअप बाय बाइनांस है, ये दोनों समझो बाइनांस के वॉलेट हैं, और बाइनांस का खुद का अपना भी वेब3 डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना है। अगर आप टॉप बेस्ट फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स पे वर्क करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपने वर्क करते रहना है। उन सारी माइनिंग ऐप्स जो होंगी उनके विड्रॉल समझो हम लोग सेफपाल वॉलेट के अंदर ले सकेंगे। जैसे कोर है ये भी इधर लिस्टेड है, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो इधर लिस्टेड हैं।